सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है सिट्रन C5 एयर क्रॉस। इस पर्टिकुलर कार को मैं पिछले 8-10 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। रोज लाइक शाम को घूमने जाना है, एक लॉन्ग ड्राइव करी 850 किलोमीटर की, दोस्तों के साथ इसमें घूम रहा हूँ और साथ ही साथ माइलेज टेस्ट भी मैंने इसका करा है कि कितना एक टैंक पे ये गाड़ी चलती है। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस गाड़ी को यूज़ कर लिया। अब मैं एज अ यूज़र आप लोगों को ये रिव्यू शेयर करने वाला हूँ कि क्या चीज़ें मुझे इसके अंदर अच्छी लगी और क्या कुछ चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव की जा सकती है। स्टार्ट करते हैं और लेते हैं डिटेल वॉक अराउंड, उसके बाद में लेके चलेंगे इसको ड्राइव पे और मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो गाड़ी दिखती कैसी है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। फ्रंट से ऐसे अगर मैं उसको देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये काइंड ऑफ हैरियर, हेक्टर या क्रेटा सेल्टोस, उस टाइप का जो है वो लुक देती है, उस टाइप की अपीलिंग आप लोगों को दिखती है। बट एक्चुअल में कार काफ़ी बड़ी है। लाइक जब आप उसको रियल लाइफ में देखते हैं, अंदर बैठ के फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर आपको फील होता है कि हाँ यार, कुछ ना कुछ महंगा है, कुछ ना कुछ लग्जरी है या कुछ ना कुछ ज़्यादा प्राइस का है। ऐसा नहीं है कि 20-25 लाख रुपये की गाड़ी है, बट फर्स्ट लुक जो है वो लोगों को समझ में आता नहीं है कि इसको किस सेगमेंट में देखा जाए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें मिलती है, तो काफ़ी बढ़िया फ्रंट ग्रिल मिलती है जिसमें आपको लोगों को ये जो क्रोम स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये लोगो जो दिखाई दे रहा है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देखने में काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है। और जो लुक्स वगैरह हैं, जो नीट एंड क्लीन डिज़ाइन के साथ साथ में यहाँ पर ये वर्क किया गया है, ये काफ़ी प्रीमियम फील जो है वो करवाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को चिट्रोन LED विजन जो है वो हेडलैम्प्स मिलते हैं। अब ये नॉर्मल हेडलैम्प्स नहीं है, ये काफ़ी दूर तक आप लोगों को दिखाते हैं। डिटेल नाइट ड्राइव रिव्यूज हेडलैम्प के ऊपर आने वाला है पर्टिकुलर। यहाँ पर ये DRL है, यहाँ पर ये DRL है, ये DRL कन्वर्ट हो जाते हैं टर्न इंडिकेटर में भी। इधर ये लो बीम है, नीचे ये हाई बीम है, उसी के नीचे अगर आप आएंगे तो फॉग लैम्प आप लोगों को LED के अंदर मिलते हैं वाइट कलर के। और अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये एयर वेंट्स है जो कि वर्किंग एयर वेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये जो ब्लू कलर के इंसर्ट्स देख रहे हैं इसके ऊपर आप लोग ग्रे कलर भी जो है वो चूज कर सकते हैं। फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पे टोइंग हुक मिलता है, एक छोटी सी ग्रिल यहाँ पर मिल जाती है और नीचे आप लोगों को एयर डैम मिलते हैं काफ़ी बड़े। और फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं, साइड में आप देख रहे हैं, तो टोटल 6 पार्किंग सेंसर फ्रंट्स में आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। जो बोनेट है इसके ऊपर भी ये जो डिज़ाइन दी गई है ये काफ़ी अच्छी है और ऐसी सर्कुलिश डिज़ाइन जो है वो पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर कंटिन्यू फॉरवर्ड की गई है, साइड में, पीछे या ओवरऑल कार के अंदर भी। अब ये जो व्हील है, 18 इंचेस के व्हील यहाँ पर दिए गए हैं, मिचलिन से लिए गए टायर हैं, टायर प्रोफाइल है 235/55R18 और व्हील आर्चेस आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो सस्पेंशन लगाए गए हैं उसी का ही सबसे बड़ा खेल है इस गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार है। अगर 50 लाख रुपए में आपको कोई कंफर्टेबल कार चाहिए तो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कार आप लोगों को इस सेगमेंट के अंदर तो नहीं मिलने वाली। उसी के बाद में अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अगेन ब्लू इंसर्ट जो है वो मिल जाती है साइड क्लेडिंग पे, और ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है दूर से। लाइक लोगों को पता चलता है कि हाँ यार, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर वर्कआउट ऐसा किया गया है। बट बहुत सारे लोग ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं ये कार इलेक्ट्रिक तो नहीं है, बिकॉज इस टाइप की ब्लू डिज़ाइन जो है इंडियंस जो मैन्युफैक्चरर है वो हाईलाइट करने के लिए करते हैं EV को। और अब आए अगर डोर हैंडल पे, तो यहाँ पर ये टच बेस जो है वो लॉक अनलॉक आप लोगों को एक्सेस मिलता है। अगर आप गाड़ी की चाबी पास में है, आप डायरेक्ट आएँ, गेट ओपन करें, गाड़ी से चले जाएँ। अगर आपको लॉक करना है, सिर्फ मेरे को ऐसे प्रेस करना है और कार जो है वो खुद से लॉक हो जाएगी, तो इजी एक्सेस जो है वो गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। ये वाइट कलर आप पर्टिकुलर देख रहे हैं, इसके साथ में ड्यूल टोन रूफ आपको मिलती है, ग्रे कलर आता है, एक नया ब्लू कलर आया है और ब्लैक कलर आता है। 4 कलर के अंदर आप इस गाड़ी को परचेस कर सकते हैं। 3 कलर के अंदर आप लोगों को ड्यूल टोन का ऑप्शन मिलता है, ब्लैक कलर के अंदर ब्लैक रूफ ही आती है, तो उसमें क्या ही लेना। व्हाइट कलर के अंदर आप नॉर्मल सिंगल टोन के अंदर भी ले सकते हैं, ग्रे में भी ले सकते हैं और ब्लू में भी ले सकते हैं। जो नया ब्लू कलर आया वो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो आप लोगों को टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं LED के अंदर, पियानो ब्लैक फिनिश, और यहाँ पर ये पेडल लैंप जो है वो दिए गए हैं। और ऊपर आप लोगों को ये शोल्डर लाइन जो है वो आप देख सकते हैं कंप्लीट क्रोम के अंदर, और काफ़ी बढ़िया क्रोम जो है वो लगता है। देखिए जो लिप दी गई है पूरी विंडो की, वो बहुत ही प्यारी क्रोम के अंदर दी गई है और साइड में से यहाँ से देखने में गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है। और ये जो अलॉय व्हील है, इनको कंपनी पल्सर अलॉय व्हील जो है वो कहती है। अब अगेन ये जो थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन है वो बहुत सारे लोगों के अंदर ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, मुझे भी थोड़ा सा ओवरडन सा जो है वो फील होता है, बट स्टिल लुक्स जो है वो काफ़ी अच्छे आते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आप लोगों को जो है वो डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को जो ये डीजल का फ्यूल टैंक मिलता है, इसके अंदर आप लोगों को 52.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है।
कंपनी क्लेम करती है 17.5 KNBL का माइलेज इस डीजल टैंक से, और लिटरली ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया माइलेज देती है। 2 लीटर का डीजल इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। पीछे अगर आप आएंगे तो सिट्रन की बैजिंग यहाँ पर मिलती है, अगेन लोगो मिलता है, C5 एयरक्रॉस की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, और ये जो लाइट्स हैं ये 3D लाइट्स काफ़ी खूबसूरत लगती है रात में देखने में, और रात में लाइट्स की वजह से ये गाड़ी प्रीमियम कार जो है वो फील हो पाती है। अगर आप नीचे देखेंगे तो अगेन इस यहाँ पर भी एक फेक एयर डैम जैसा जो है बनाया गया है। पीछे भी आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, रियर लैंप्स जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं, ऊपर वाइपर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैंप और वॉशर, सारी चीज़ें दी गई है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ये स्पॉइलर दिया गया है। कोई एंटीना जो है वो इस गाड़ी के ऊपर नहीं है, लाइक शार्क फिन एंटीना भी, नॉर्मल एंटीना भी जो है वो नहीं दिया गया है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही प्लेस किया गया होगा। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों को टोइंग हुक मिलता है यहाँ पर, अगर इसको आप खोलेंगे तो। अब ये जो एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को फेंक दिए गए हैं, यहाँ पर है नहीं, रियल में एग्जॉस्ट जो है वो नीचे की तरफ इस तरफ लगाए गए हैं। अगेन है ड्यूल एग्जॉस्ट बट वो फेंक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कैमरा आप लोगों को मिल जाता है। अब ये इतनी बढ़िया गाड़ी है, 37 लाख रुपीज़ के आसपास इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, 3640 या 3650 के आसपास में एक्स शोरूम प्राइस है, बट इसके अंदर 360 कैमरा नहीं मिलता है। ये चीज़ की फीचर की कमी मेरे को एक्सटीरियर के अंदर गाड़ी के अंदर लगी, बट जो सेंसर्स हैं वो काफ़ी अच्छे नंबर्स में हैं। बूट को ऐसे भी आप ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको अगर रोकना चाहें तो रोक भी सकते हैं स्विच से, जैसे सपोज ये आया, मैंने यहाँ रोक दिया, ये आया वापस ऊपर चले गया, तो ऐसे इसको रोका भी जा सकता है। साथ ही अगर मैं ऐसे नीचे यहाँ पर आके पैर से ऐसे ऐसे करूँगा लाइक पैर, तो ये बूट क्लोज भी हो जाएगा और ऐसे ओपन भी हो जाएगा अगर मेरे हाथ में कुछ लगेज है, तो ये फीचर काफ़ी यूज़फुल होता है। अभी हाँ वापस से मैं करके बता देता हूँ आपको, ये देखिए बूट ओपन हो रहा है, और यहाँ पर अंदर की तरफ आप लोगों को 580 लीटर की बूट स्पेस जो है वो मिलती है, और इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। 3 सीट है, उन तीनों सीट्स को फोल्ड करके लाइक ऑलमोस्ट 720 लीटर की भी आप कर सकते हैं अगर वो आगे घसका दोगे सीट को तो, ठीक है। इनकी जो तीनों सीट्स है वो भी एडजस्टेबल है, वो तीनों को मैंने अलग अलग साइज़ में एडजस्ट करा हुआ है, आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो 720 लीटर के आसपास का स्पेस वहाँ पर बन जाता है। अगर इन तीनों सीट को आप फोल्ड कर दोगे तो 1600 प्लस लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो आप लोगों को मिलता है। ऑलरेडी 580 लीटर का बूट स्पेस जो है वो मोर देन इनफ है 4 लोग या 5 लोग अगर आप बैठ के जा रहे हैं तो। यहाँ पर आप लोगों को बूट लैंप जो है वो मिल जाता है, ओके ये रहा, और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ हुक्स भी हैं अगर आपको कुछ रखना है सामान ऐसा बांध कर, तो 4 हुक्स आप लोगों को मिलते हैं। उसी के बाद में नीचे मैं आप लोगों को बता देता हूँ बैक हटा के, कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में कंप्लीट आपको फुल साइज़ अलॉय व्हील मिलता है 235/55R18 टायर, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। और ये जो ट्रे है ये भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इसको मैंने बाहर निकाला था साफ़ करने के लिए, फिर देखा तो नीचे से ये कुछ इस टाइप से दिखी, लाइक जो फाइबर शीट्स आती है जो अपन शेड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं घर में, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, लाइक 5-10 साल 15 साल चल जाती है, उस क्वालिटी की लाइक ये है, उससे भी ज़्यादा ही बढ़िया क्वालिटी की एक्चुअली मैं इसको बोलना चाहूँगा। तो इसके ऊपर आप काफ़ी अच्छा लगेज रख के भी जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद में जो इसकी पार्शल शेल्फ है, इसको भी ऐसा नॉर्मल नहीं बनाया गया, लाइक अच्छी क्वालिटी यहाँ पर यूज़ करिए, ऐसा नहीं कि उसको टांगने वाला सिस्टम बना दिया गया, ये ऐसे प्रॉपर हुक्स जो हैं वो रखे गए हैं, और इसके थ्रू आप इसको फ्री भी कर सकते हैं, जैसे इस तरफ से निकाल दिया मैंने इसको, एंड यहाँ पर ये देख सकते हैं इसको भी बाहर कर सकता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसको भी मैं बाहर कर सकता हूँ अगर बाहर निकालना चाहूँ तो। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो है हाइड्रोलिक दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये टेल गेट कुछ इस टाइप से ओपन एंड क्लोज जो है वो हो जाता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ चीज़ें आप लोगों को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को ये काफ़ी बढ़िया जो है बार्स मिल जाते हैं, रूफ बार्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियर से, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 सीट मिलती है, ठीक है, 3 सीट डेफिनेटली, आप सही सुन रहे हैं, लाइक आप लोग देख सकते हैं उसको मैंने अलग हिसाब से एडजस्ट करा है, इसको अलग हिसाब से एडजस्ट करा है और इसको अलग हिसाब से एडजस्ट करा है। अब 3 पैसेंजर अपने अकॉर्डिंगली आगे पीछे करके इसको रिक्लाइन करके पर्टिकुलर एक सीट को आप 3 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे और इसका रिक्लाइनिंग जो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो ये हेडरेस्ट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इतने एडजस्टमेंट के साथ में ये सीट्स आपको मिलती है। अब सीट्स बनी काई की उनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर ड्यूल टोन लेदर टेक्सचर मिलता है, एक ग्रे कलर का लेदर, एक ब्लैक कलर का लेदर, फिर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर फाइबर भी मिलता है, यहाँ पर फाइबर, ये स्टिचिंग्स अलग कलर की, और नीचे आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक कलर का फाइबर। साथ ही इसके अंदर जो फॉर्म है वो 15 mm का फॉर्म यूज़ करा गया है, जिससे आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है और आपकी बॉडी थकती नहीं है लॉन्ग ड्राइव्स पे भी। एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है ड्राइवर को कि अगर ये वाला सेंटर हेडरेस्ट ऊपर रहता है तो पीछे का विजन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद में एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ से ही जो आप पीछे ग्लास देख पा रहे हैं क्वार्टर पैनल, वो भी काफ़ी बढ़िया है, वहाँ से लाइट काफ़ी अच्छी आती है और क्लस्ट्रोफोबिक कम फील होता है, अदरवाइज पीछे से कार बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा जो है वो फील करवा देती।
अब मैं इसके ऊपर आपको बैठ के बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले उस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बैठने के लिए लाइक मेरा ऐसा पोजिशन रहेगा कि जिसमें मैं लॉक हो जाऊँगा, कि लाइक बिल्कुल भी आगे और पीछे नहीं हो सकता। ये पोजीशन ऐसी है कि आगे तो मैं आराम से बैठ पाऊँगा, पीछे मेरे पैर बस इतनी सी स्पेस दे रहे हैं और नीचे बिल्कुल ना के बराबर स्पेस बची है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे मुझे, तो मैं कुछ इस टाइप से एकदम स्ट्रेट बैठ पा रहा हूँ। बट अगर मेरे को यहीं पे कंफर्टेबल बैठना है, तो सबसे पहले तो मुझे इसको पीछे करना है, उसके बाद में सीट को पीछे कर देना है। और अब यहाँ पर मैं जो है वो काफ़ी आराम से बैठ पा रहा हूँ, तो ये सीट मेरे लिए काफ़ी कम्फर्टेबल साबित हो रही है। बट अगेन मेरी हाइट हेल्थ लाइक हाइट तो ठीक है, 5'10" है मेरी, तो डिसेंट हेड रूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बट जो हेल्थ है मेरी वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से बैठ पा रहा हूँ। बट अगर कोई ब्रॉड पर्सन है, कोई चौड़ा है थोड़ा सा, उसकी विड्थ ज़्यादा है, तो फिर उसे प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर शोल्डर में। तो वहाँ पर आप लोगों को यही होगा कि दो ही पैसेंजर यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठ पाएंगे। स्टिल मैं रिकमेंड यही करूँगा, क्योंकि सपोज़ अगर मैं इस सीट को पीछे करता हूँ, ठीक है, तब भी यहाँ पर ये जो हम्प है वो आप लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, तो बीच वाला पैसेंजर भी कहीं ना कहीं यहाँ से इससे टकराएगा। तो अगर आपके घर में 5 लोग ऐसे हैं जिनमें से 2 की हेल्थ हाइट काफ़ी बढ़िया है, वो आगे बैठ जाएंगे, ड्राइव करेंगे, पीछे अगर 2 छोटे बच्चे बैठ रहे हैं या कोई आपके एल्डर्स बैठ रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बैठ रहे हैं, तो वो यहाँ पर 3 लोग काफ़ी अच्छी तरीके से बैठ पाएंगे। तो ऐसे ही कंप्लीट 5 जनों के लिए एक स्पेशल या परफेक्ट या बोल सकते हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल कार जो है वो बन जाती है। अब फीचर्स आपको क्या पीछे मिलते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये हैंडल बार मिलता है, और उसके बाद में यहाँ पे ये कोट हुक मिल जाता है। इधर अगर आप देखोगे तो LED लाइट्स मिलती है, रीडिंग लैंप्स, ये काफ़ी अच्छी है। और एक तो ये सेंटर में है, उसके बाद में इस तरफ भी है, अभी ऑन नहीं हो रही है बिकॉज गाड़ी में पावर नहीं है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये हैंडल बार दिए गए हैं, और यहाँ पे आप लोगों को ये पावर विंडो, उसके कंट्रोल्स, सॉफ्ट टच मटेरियल, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। और ओवरऑल जो स्क्वायरिश एंड ओवरऑल सर्कुलर डिज़ाइन जो है वो फॉर्मेशन सभी जगह कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड किया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये बनाया गया है, यहाँ पर ये है, नीचे आप देख सकते हैं ये सर्कुलर, और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से, ये ऐसा लगता है लोगों को कि लाइट है बट ये लाइट नहीं है। ब्लू कलर की स्टिचिंग जो है वो गाड़ी के अंदर यहाँ पर की गई है। एक चीज़ आप लोगों को और बताते हुए चलूँ कि गाड़ी से अंदर उतरना और बाहर आना बहुत ही आसान है, मैं ईजिली अंदर और बाहर जो है वो इस गाड़ी से कर सकता हूँ। ये देखो, तो इंग्रीज एग्रीज जो है वो भी परफेक्ट गाड़ी की रखी गई है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे जो ये डोर है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर डोर हैंडल्स मिलते हैं, उसके बाद में नीचे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, ORVMs के सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, हैंडल, सॉफ्ट टच मटेरियल, स्टिचिंग्स ब्लू कलर के अंदर। अब नीचे जो बॉटल है उसका मेरे को थोड़ा सा इशू आया कि जो बॉटल्स हैं वो प्रॉपर ऐसे यहाँ पर खड़ी नहीं हो पाती है, गिर जाती हैं ऐसे नीचे। तो ये एक प्रॉब्लम है पूरी गाड़ी के अंदर, कहीं पर भी डोर्स में ऐसी स्पेस नहीं है कि बॉटल्स को आप खड़ा रख सकते हैं आगे। और यहाँ पर भी मैंने थोड़ा स्टफ रखा है, रखने का सामान जो है, सामान रखने की जगह जो है वो काफ़ी बढ़िया है, बट उसको और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। यहाँ पर स्पीकर्स दिए गए हैं, स्पीकर्स की क्वालिटी काफी बढ़िया है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो मेटल में आप लोगों को एक्सेलरेटर और ब्रेक, उधर काफी बढ़िया रेस्ट पोजीशन में रखने के लिए आपके पैर को फुट रेस्ट भी मिल जाता है। और ये जो मैट्स है वो सिट्रिन की है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्कल्पटेड एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर सिट्रिन जो है वो लिखा गया है। और ये जो सीट्स हैं ये पावर एडजस्टमेंट के साथ में आती है, हाइट, लंबार, थाई, सारे सपोर्ट जो है वो आप इसके इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उस तरफ से भी मैं आपको सीट के कंट्रोल्स थोड़े से बता देता हूं एक बार। तो इस तरफ से इसलिए बता रहा था बिकॉज यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका लंबार सपोर्ट जो है वो आपको यहां से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ड्राइवर सीट का सीन ये है कि ये भी आपकी हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आती है, इसको आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। और इसको जो आगे पीछे अपन करते हैं वो आपको यहां से इसको गोल घुमा के आगे और पीछे जो है वो करना पड़ेगा, लाइक इसको ऐसे घुमाओगे तो ये पीछे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट होते हैं, उसके बाद में आप आगे पीछे ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे अगर आपको करना है तो यहाँ से आप इसको नीचे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सीट के काफ़ी अच्छे एडजस्टमेंट जो है वो मिलते हैं। सीट की अगेन कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये सपोर्ट जो है वो आप लोगों को देती है। अपॉल्स्ट्री काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल ये कार जो है वो काफ़ी बढ़िया सीट और काफ़ी अच्छे सस्पेंशन को जो है वो डिफाइन कर पाती है। मैं चलाते हुए आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी इस तरफ नीचे आप लोगों को ये बूट ओपन करने का स्विच दिया गया है, यहाँ पर ये AC वेंट्स को ऑन या ऑफ आपको करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे ग्लव बॉक्स दिया गया है जो कि डिसेंट साइज़ का है, जिसमें लाइट भी आप लोगों को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको पैसेंजर का जो एयरबैग है उसको ऑन या ऑफ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऑन या ऑफ है तो ऊपर आपको जो है बताएगा भी सही यहाँ पे कि पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है। और सेंटर कंसोल वगैरह में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं वो उस तरफ से अंदर बैठ के अपन लोग देखते हैं। तो आ गए हैं गाड़ी के अंदर,
और सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे इसका ये लोगो और स्टेयरिंग व्हील होल्ड करने में, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है और काफ़ी अच्छा, लाइक ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है, वो चीज़ आप होल्ड यहाँ पर करके बैठे हुए हैं। अब फटाफट बात करते हैं कि फीचर्स में आप लोगों को यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिलती है। अगेन इस इवेंट में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर ये ट्वीटर्स मिल जाते हैं आपको गेट पे और काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और स्टेयरिंग से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ आपको लिए दिया है। तो आप इसकी हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, रीच जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं लॉक कर देता हूँ और कार को ऑन कर देता हूँ। अब कार को ऑन करने के लिए यहाँ पर अर्गोनॉमिक थोड़ा सा इशू है, ये गाड़ी लेफ्ट एंड ड्राइव होती है बेसिकली, बाकी सारी कंट्रीज में जहाँ ये सेल होती है, तो इसका जो सेंटर में ये कंसोल है इसको चेंज नहीं किया गया है, इसको वहीं के लिए रहने दिया गया है। तो स्टार्ट स्टॉप बटन इस तरफ होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, बट ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया गया है। इसको प्रेस करके रखना पड़ता है और कार कुछ इस टाइप से स्टार्ट हो जाती है, और जब ये स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली फील होता है कि हाँ एक डीजल कार स्टार्ट हुई है। डीजल क्लटरिंग थोड़ी सी जो है वो सुनाई पड़ती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप लोगों को क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो तीन मोड यहाँ पर बेसिकली जो है वो आप लोगों के लिए रखे गए हैं और उसको आप यहाँ से ऐसे टोगल करेंगे, ये जो पर्टिकुलर स्विच है इससे आपको वो टोगल करना है। यहाँ से वॉइस कमांड का फंक्शन है और साउंड को कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को अगेन ये सारे जो लाइक यहाँ पे कंट्रोल्स हैं उनसे रिलेटेड स्विच दिए गए हैं। कॉल को लेना है, कट करना है, यहाँ से कर सकते हैं, लिस्ट ओपन कर सकते हैं और सोर्स जो है उसको आप स्विच कर सकते हैं। अब इधर आपको पैडल शिफ्टर जो है वो मिल जाते हैं और काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। जो क्रूज़ कंट्रोल है उसका नॉब यहाँ पर मिलता है और इसमें कई सारे स्विचेस दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो परेशानी देता है। मैं चलाते हुए सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या यूज़ करना है। बाकी यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। इधर सारे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं, फॉग लैम्प जो है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर भी आपको गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो लेफ्ट साइड में आप लोग जो देख रहे हैं ये फ्यूल इंडिकेटर जो है वो दिया गया है, राइट साइड में आपको टेम्परेचर जो है वो बता रहा है गाड़ी का, बीच में स्पीडोमीटर है, ऊपर आरपीएम मीटर है डिजिटल में, और यहाँ पर दो स्क्रीन दी गई है, ये दोनों आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है वो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको डायल से, उसको आपको मिनिमम पर्सनल ये सारी चीज़ें जो है वो तीन मोड आप रख सकते हैं। जैसे डायल्स पर अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्या कुछ डिटेल्स आती है। तो यहाँ पर आपको रियल टाइम माइलेज बताएगा, फ्यूल अभी कितना लाइक गाड़ी चल सकती है, जितना फ्यूल है उसमें वो बताएगा, और गाड़ी चालू होने के बाद में कितनी चली है वो चीज़ जो है वो यहाँ पर बताएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी जैसे ये पर्सनल में जा रहे हैं फिर मैं वो बताता हूँ आपको, वो उस तरफ चली गई करंट इन्फॉर्मेशन। मुझे पर्सनल जो है वो सही लगता है बिकॉज़ इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। मिनिमम में भी अगर आप जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट काम की तो सारी चीज़ें जो है वो मिल ही जाएगी, मतलब जैसे स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर वगैरह जो आपको देखना है वो सब आप देख सकते हो। और मैंने पर्सनलाइज जो इसको करा हुआ है उसमें आपको मैं बताता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अब जैसे अगर सपोज़ यहाँ पे ये तीन डॉट दिख रहे हैं इसको आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ से जो है वो करना पड़ेगा, ये वाला जो बटन है ना इसको प्रेस करना पड़ेगा, और वहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिप है, ट्रिप बी वन यानी कि ट्रिप वन, ट्रिप टू, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है। अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल में। तो ये जो स्क्रीन है इसमें भी आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट जो इसका यूआई है वो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, और सेंटर में ही ये स्क्रीन चलती है, साइड में स्प्लिट हो जाती है तो आधी स्पेस तो इसकी चले जाती है। अगर ये पूरा कंप्लीट स्क्रीन में ओपन होता है एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो जो भी है तो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा बेटर जो है वो फील देता। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए मेन्यू को टच बटन दिया गया है, यहीं पर सारे ऑप्शन वगैरह जो है सेटिंग वगैरह आपको मिलती है। गाड़ी के अंदर एक काफ़ी कमाल का फीचर आप लोगों को मिलता है कि आपकी गाड़ी अगर जैसे सपोज़ कहीं पार्किंग वगैरह में खड़ी है तो पार्क असिस्ट आप ओपन लाइक ऑन कर सकते हो ऐसे सिलेक्ट करके, और फिर आपकी गाड़ी की जो स्टेयरिंग है वो ऑटोमेटिकली काम करेगी। अभी तो खैर आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस है नहीं, बट ये देखो फिर भी ये काम कर रही है, मैं नहीं घुमा रहा इसको, ठीक है। अब रिवर्स करते हैं वापस से, ये देखो तो ऐसे ये टर्न होना स्टार्ट हो जाती है। खैर अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ पार्क पे डाल के ही, वापस मैंने कंट्रोल खुद पे ले लिया है और ये ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये फंक्शन मुझे इसके अंदर काफ़ी अच्छा लगता है, पार्किंग वगैरह से निकालना या पार्किंग करना गाड़ी को काफ़ी इजी रहता है। उसके बाद में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है ही सही इस गाड़ी के अंदर, कई सारे दूसरे फीचर्स जो है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है, और उसका लाइक जो क्या बोलते हैं
साउंड है पार्किंग सेंसर का, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। हेडलाइट कंफर्ट, सेफ्टी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें जो है आपको मिलती है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर मिलता है। साइड में से कोई गाड़ी आती है तो वहाँ पर ऑरेंज लाइट जलती है, जो कि मैं चलाते हुए आपको बताऊंगा। नीचे अब एसी वेंट्स मिलते हैं, पहले ऊपर मिला करते थे, सेंटर में आपको ये स्क्रीन मिला करता था। और यहाँ पर सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, म्यूज़िक, एसी, नेविगेशन, कार, कॉल और मेन्यू। उसी के नीचे एक ये वॉल्यूम रॉकर जो है वो दिया गया है। यहाँ पर सारे एसी के शॉर्टकट्स दिए गए हैं आपको, अगर विंड पे लेके जाना है ब्लोअर को, सर्कुलेशन ऑन करना है, डिफॉगर ऑन करना है, एसी को ऑन ऑफ करना है, लॉक करना है, ऑटो ऑन ऑफ को ऑन या ऑफ करना है, तो वो आप यहाँ से जो है वो कर पाएंगे। उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा एक, या तो मेरा चश्मा है, बट यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी बढ़िया, मतलब लाइक काफ़ी बड़ा बोल सकते हैं कि वायरलेस चार्जर मिल जाता है। मेरा फ़ोन लाइक 13 Pro Max है, काफ़ी बड़ी साइज़ का फ़ोन है और इजीली यहाँ पर प्लेस होता है और चार्ज होता रहता है, बट फ़ोन को ये काफ़ी गर्म कर देता है। दो टाइप ए पोर्ट आपको मिलती है, टाइप सी एक भी पोर्ट गाड़ी के अंदर नहीं मिलती, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, पीछे भी नहीं मिलती है। और यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है। स्टार्ट स्टॉप बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल भी आपको मिलता है गाड़ी में। और ये है गाड़ी के गियर्स, जी हाँ, पार्क में डालना है ये प्रेस करो, ड्राइव में डालना है यहाँ से लेके आओ, ये न्यूट्रल, ये रिवर्स। रिवर्स जब आएगा तो आपको पार्क असिस्ट का ये जो कैमरा है वो काम करते हुए दिखता है, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से डायनामिक गाइडलाइन के साथ में आपको जो है वो असिस्ट करता है। और अगर आपको मैनुअल मोड में डालनी है तो यहाँ पर क्लिक करके आप गाड़ी को मैनुअल मोड में भी जो है वो डाल सकते हो, ड्राइव पे आके ये मैनुअल पे शिफ्ट कर सकते हो। फिलहाल पार्क कर देते हैं, यहाँ पर ड्राइव मोड्स हैं, मोड कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को मिल जाता है स्पोर्ट्स, उसके बाद नॉर्मल, इको, सैंड, मड, स्नो, इतने सारे मोड मिलते हैं। इको में चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती से नॉर्मल में भी चला सकते हो, बट जब भी गाड़ी बंद होकर चालू होगी ऑटोमेटिकली नॉर्मल पे शिफ्ट हो जाएगी। अब मेरे को पर्टिकुलर एक फ़ोन जो है वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड करके रखना पड़ता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारपे इसमें वायरलेस नहीं मिलता है। यार इतनी महंगी गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारपे नहीं है, वो उस चीज़ की कंप्लेन है। बाकी यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा है, आप जो चाहें रख सकते हैं। दो कप होल्डर है, यहाँ पर इल्यूमिनेशन होता है, रात में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये तो भाई साहब छोटी डिक्की है बोल सकता हूँ। आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच मिलता है, ये थोड़ा सा ट्रे जैसा मिलता है, उसके नीचे ओ मतलब अच्छी खासी 2-3 बोतल आप यहाँ पर रख सकते हो। और ये चीलर है, मतलब ठंडा हो जाता है यहाँ पर जो भी आप सामान रखोगे, एकदम मस्त ठंडा हो रहा है, ये मज़ा आ जाता है यहाँ पर कुछ भी रखो। और बहुत डीप है, बहुत सारा स्टोरेज जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हो अपना सामान का। इंडियंस को तो बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी होती है, बट अगर जैसे आप बाहर जा रहे हो, माउथ फ्रेशनर वगैरह ये वो छोटी मोटी खाने की चीज़ वगैरह सब यहाँ पर रख के कैरी कर सकते हैं। चश्मा रखने की जगह जो है वो यहाँ पर गाड़ी में नहीं मिलती है। ऊपर जैसे अगर मैं आपको बताऊँ रूफ़ पे क्या कुछ चीज़ें मिलती है, तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, ये ऐसे शेड ओपन होगा। चलो वो पीछे जा रहा है, तब तक बता दूं कि इसके जो अपना ये सीट बेल्ट है ये भी हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं। अब ये ग्लास आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, ग्लास को मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ कि ग्लास कितना ओपन होता है। अगेन साइज़ काफ़ी बढ़िया है इसकी, और कुछ इतना जो है वो ग्लास ओपन होता है टोटल। तो इसको भी बंद कर देते हैं, शेड मैंने क्लोज़ करा है, मतलब लाइक उसका स्विच प्रेस नहीं करा मैंने, तो शेड जो है वो यहीं तक आके रुक जाएगा पीछे वाले लोगों को अगर नहीं चाहिए तो। अब जब अगर सनरूफ बंद करेंगे तो साथ के साथ अब शेड जो है वो भी ऐसे कर सकते हैं क्लोज़, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैनिटी मिरर विथ लाइट, इधर भी अगर आप देखोगे तो वैनिटी मिरर विथ लाइट जो है वो दी गई है। और यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, काफ़ी सारी लाइट जो है वो यहाँ पर मिलती है, ठीक ठाक लाइट जो है वो ये दे देती है। एयरबैग ऑन ऑफ है या सीट बेल्ट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर पांचों पैसेंजर के लिए बताता है। और ये ऑटो डिमिंग IRVM। अब आई नो कि ये जो वॉक अराउंड है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, अब चलते हैं डायरेक्ट ड्राइव पे, जंप करते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में कार कैसी फील होती है। तो चलिए चला के देखते हैं। ऊपर देखो वो रॉकेट जा रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर अपनी C5 भी बहुत अच्छी लग रही है, गुड मॉर्निंग हो गई है। और मैं दिल्ली जा रहा हूँ रतलाम से, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी को चला लिया है। सुबह सुबह काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों को ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर दिया जाए। और हियर वी गो, अभी जिसको ड्राइव में डाल दिया है मैंने, आपको ये सारी चीज़ें मैंने वॉक अराउंड में बता दी है कि कैसे आपको गियर सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपको मोड्स चेंज करने हैं, क्या कुछ चीज़ें करनी है, तो वो आपके लिए अब कुछ नया नहीं रहा। अब मैं लाइट्स को भी ऑफ कर दिया है, ऑटोमेटिक है, बट जब फॉग लैम्प है अगर उसको आप मैन्युअली ऑन करके रखते हैं तो मेन हेडलैम्प जो है वो ऑन रहते हैं, तो मैंने फॉग लैम्प को ऑफ करा तो मेन हेडलैम्प जो है वो भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गए। अब स्टार्ट करते हैं अपना एक डिटेल ड्राइव रिव्यू, या बोल सकते हैं कि मेरा जितना एक्सपीरियंस मैंने करा है 1500-1600 किलोमीटर के आसपास इसको चलाने का, अभी और 400 किलोमीटर के आसपास मैं चला लूँगा, तो ओवरऑल ये गाड़ी जो है वो कैसी मुझे फील हुई। सबसे पहले व्यूइंग एंगल ड्राइवर परस्पेक्टिव से, तो यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है वो काफ़ी बढ़िया है, कोई परेशानी जो है वो मुझे हैज़न सच होती नहीं है, काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पर मैं बैठता हूँ। और साथ ही साथ फ्रंट जो बोनेट का लाइक
पोर्शन है वो मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखता है, और जो सीट की हाइट वगैरह है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं आती है। ORVM जो है वो भी ठीक ठाक बड़े हैं और काफ़ी अच्छा व्यू पीछे का दे देते हैं, बट रात में जो है इनसे थोड़ा सा जो फ्लेयर आता है पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही होती है या चल रही होती है तो उसका थोड़ा सा कंपनी जो है वो बेटर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकती थी। जैसे ऑटो डिमिंग IRVM होता है वैसे ही यहाँ पर भी कुछ लाइक ऐसी बोलते हैं ना कि अब आप समझ जाओ, मतलब कुछ ऐसा लगा देना चाहिए था कि जिससे थोड़ा सा जो फ्लेयर पीछे का आता है या जो शाइन आती है वो थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद में IRVM ठीक ठाक व्यू पीछे का देता है, बट जो सपोज आपका हेडरेस्ट अगर ऊपर है तो फिर परेशानी जो है वो आपको आएगी, उसको आपको नीचे रखना पड़ेगा, अदरवाइज देखने में थोड़ा सा इधर या उधर ऐसे ऐसे करके आपको जो है वो देखना पड़ेगा। बाकी हैज़न सच, अगर सीट ड्राइवर सीट से बात करें कि कंफर्ट कैसा है ओवरऑल लाइक इकोनॉमिक वाइज गाड़ी कैसी है, तो यहाँ पे मुझे कोई परेशानी नहीं आई, लाइक सारी चीज़ें रीच में है मेरे। अगर सपोज मैं बात करूँ AC वेंट्स तो मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, स्क्रीन सारी चीज़ें हाथ में आ जाती है, यहाँ पर सारे कंट्रोल्स मेरे हाथ में हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट स्टॉप बटन इस तरफ होना चाहिए। मुझे ऐसा पर्टिकुलर फील हुआ इस गाड़ी को जितना भी मैंने चलाया, बार बार ऑन ऑफ करते रहा, तो बस वही चीज़ मुझे लगती है हर बार जब भी मेरी फिंगर यहाँ पर जाती है कि काश ये स्टार्ट स्टॉप बटन राइट साइड में होता, दैट्स ऑल। बाकी वायरलेस चार्जिंग काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, फ़ोन को थोड़ा गर्म ज़्यादा कर देता है, और टाइप ए 2 पोर्ट आपको मिलती है, तो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो है नहीं, तो वायर्ड ही आपको लगा के रखना पड़ता है। मैंने एक्स्ट्रा फ़ोन इसलिए कैरी करा हुआ है कि मैं एप्पल कारप्ले जो है वो चला पाऊँ। अब यहाँ पर जो स्विचेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से लाइक विजिबल होते हैं और दिख जाते हैं, और आप जो है उन्हें मैनेज कर पाते हैं, जैसे चाइल्ड लॉक वगैरह आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा पावर डिलीवर करता है, और जो मोड्स हैं उनको एक्सप्लोर करके देखते हैं और माइलेज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो इंजन की परफॉर्मेंस है, तो सबसे पहले इंजन के बारे में बता दूँ, 2 लीटर का डीजल इंजन है, 8 स्पीड का गियरबॉक्स आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाता है, और 177 PS की पावर, 400 NM का टॉर्क आपको मिलता है। अभी जो 400 NM का टॉर्क है वो अराउंड 2000 RPM के आसपास मिलता है, और जो पावर है वो अराउंड 3750 RPM के आसपास जो है वो आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट मिल जाती है। हॉर्न काफ़ी बढ़िया है, लिटरली इस हॉर्न से, ये विंड टोन हॉर्न इसे जिसे बोलते हैं, लोग हटते हैं, लोगों को लगता है प्रीमियम गाड़ी पीछे आ रही है, और वो चीज़ लिटरली आपको भी फील होती है जितनी बार आप हॉर्न करते हो। मैं बार बार आपको करके नहीं बताऊंगा साउंड पॉल्यूशन, बट स्टिल हॉर्न काफ़ी बढ़िया है, मैं एक बार कर देता हूँ आपको सुनाने के लिए। ऑसम हॉर्न, ऑसम। अब अगर बात करें कि पावर डिलीवरी वगैरह कैसी है, तो अभी मैं जैसे इको मोड में चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम हाईवे पे इसको इको मोड पे चलाया, कोई परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी कहीं से कहीं तक, चाहे ओवरटेक मुझे करना हो, चाहे मुझे ट्रिपल डिजिट पे क्रूज करना है, मैं स्लो हो रहा हूँ फिर वापस से मेरे को मूव करना है, कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इको मोड यार लो पावर कर देता है या बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने के चक्कर में आपको प्रॉपर पिकअप वगैरह नहीं दे पाता है, ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। इवन दो नॉर्मल मोड में, स्पोर्ट्स मोड में भी कार मेरे को इतना ज़्यादा मतलब लाइक डिफरेंस फील नहीं करवाती है कि आपने स्पोर्ट्स मोड डाल दिया है या आपने नॉर्मल मोड में चला रहे हो या आप इको मोड में चला रहे हो, तो इसका जो मोड है वो ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर से ही है, थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का चेंज जो है वो फील होगा, या बोल सकते हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाल रखी है या मैंने नॉर्मल मोड में डाल रखी है या मैंने जो है इको मोड में डाल रखी है तो मेरे को ज़्यादा माइलेज मिलेगा। लाइक मैंने टेस्ट करा जस्ट फॉर लाइक बोल सकते हैं कि कंसर्न, 200 किलोमीटर मैंने चलाया नॉर्मल मोड में और 200 किलोमीटर मैंने चलाया इको मोड में, माइलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया ही नहीं। अब वो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, बिकॉज हर जगह सरफेस एक जैसा नहीं होता, हर जगह विंड ब्लास्ट जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एंडुलेशंस होते हैं, एलिवेशंस भी होते हैं, तो जो हल्का सा माइनर डिफरेंस आया वो जाहिर सी बात है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ्यूल एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप इको मोड में डाल के रखो, वहाँ पर RPM थोड़े से लो चले जाते हैं बट आपका काम काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाता है। अब इंजन लीनियर पावर डिलीवरी देता है, बट अगर आपको चाहिए कि यार थोड़ा सा आपको मतलब एकदम रश पावर चाहिए तो आपको टैप करो, डाउनशिफ्ट मारेगा और क्या पावर देगा, लाइक 120, 130, 140 ये कार एकदम मतलब स्मूथली करती है, इतनी स्मूथली करती है ना कि आपको नीचे देख के आ रहे क्या कर रहा हूँ मैं, ये 130, 140 पे पहुँच गए, 150 पे पहुँच गए, तो आपको ऐसा लगता है अरे स्लो डाउन करो, बट कार फुल कॉन्फिडेंस लेती देती है आपको, मतलब कहीं पे भी आपको ये फील नहीं होगा कि यार गाड़ी जो है वो ओवर कंट्रोल लाइक अंडर कंट्रोल हो जाएगी या आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे या वो कॉर्नर वगैरह पर आपका साथ छोड़ रही है, नहीं, चिपक के चलती है और क्या स्मूथ ग्लाइड करते हुए जाती है, मतलब रोड्स के जो अंडुलेशंस है, मतलब एक चीज़ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, कंफर्ट पे जब अपन आ ही गए हैं तो
इंजन की तो बात मैंने कर ली आपको कि कोई परेशानी आपको नहीं आती है, बस इनिशियल आरपीएम पे थोड़ा सा पावर जो है वो और ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, बट स्टिल वो मैनेजेबल होता है जिस साइज़ की कार है। और दूसरा एक चीज़ हाँ मैंने फील करी, वो अपन चलो गेयरबॉक्स पर बात करेंगे, अभी कम्फर्ट पर आए हैं तो इसके जो सस्पेंशन है आप उसके लिए पैसा स्पेंड कर रहे हो, ये समझ जाओ आप इन शॉर्ट। अब मैं अगर उसको एक्सप्लेन करने पे आऊँ तो इसमें प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक डैम्पिंग जो है वो आपको मिलती है। उससे होता ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो आपके कंपनी बोलती है कि कार फ्लैट कारपेट जो है फ्लाइंग कारपेट जैसा इफेक्ट देती है, वो उस चीज़ को अगर ऐसे बोलने में या शब्द में एक्सप्लेन करूँगा तो आपकी कार स्मूथ चलने की कोशिश करती है पूरे टाइम। मतलब जो अंडुलेशंस होते हैं या बम्स होते हैं या पोर्टोल्स होते हैं उन सब में एकदम स्मूथली ग्लाइड करते हुए निकलने की आपको कोशिश करती है। अब वो कोशिश के अंदर आपका जो सस्पेंशन, अभी भी सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं 120 की स्पीड लिमिट जो है वो क्रॉस कर रहा हूँ बार बार, ये कार में हो जाता है ऐसा, आपको पता ही नहीं चलता है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा ध्यान डायरेक्ट रोड्स पे, नीचे ओवर स्पीडिंग हो रही है, आपको स्पीड ऑटोमेटिकली कम करनी पड़ेगी। अभी लाइक मैं 110-115 पे चल रहा हूँ, मेरे लिए लगी नॉर्मल स्पीड है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं 60-70 पे चल रहा हूँ अगर मैं किसी और गाड़ी की बात करूँगा तो। इतनी परफेक्शन के साथ में इस कार को ट्यून करा गया है, लाइक ओवरऑल जो बॉडी है इंजन है बहुत ही सही तरीके से, मतलब आपको वाइब्स देती है कि हाँ आपने जो पैसा खर्च करा है 40 लाख रुपए के आसपास, तो आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो आपके सामने है, आपको कंफर्ट मिल रहा है, आपको चलाने का प्लेजर मिल रहा है, आपको काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है। लाइक मैंने जब माइलेज टेस्ट करा तो मेरे को अराउंड जो है 16-17 KMPL के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मिली, मैंने 850 किलोमीटर को चलाया। अब आपको ये देखना है कि 850 किलोमीटर मैंने इसको कैसे चलाया, सिटी में हाईवे पे लाइक सभी जगह जहाँ मैंने इसको चलाया, तो उस हिसाब से आपको फ्यूल एफिशिएंसी वाला जो वीडियो है उसको लाइव जाके देखना चाहिए। मैं नीचे लिंक दे दूंगा या फिर आप डायरेक्ट ऐसे चैनल पे देखोगे तो एक दो वीडियो छोड़ के वो शायद आपको मिल ही जाएगा या लास्ट वीडियो मिल जाएगा जैसा भी होगा। तो वही बात है। अब हाँ सस्पेंशन इसके ऐसे हैं कि मतलब आप कार को कम से कम मतलब हिलाते हैं, एक जैसा चलाने की कोशिश करते रहते हैं पूरे टाइम। अभी मैं टोल से निकलता हूँ, उसके बाद मैं वापस आपकी बात जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, तो अब बात कर रहे थे अपन जैसे सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन जो है वो गाड़ी को कम से कम हिलाते हैं, कम से कम मतलब मूवमेंट शो करते हैं ताकि अंदर आप काफ़ी अच्छी तरीके से स्टेबल एक ही पोजीशन पे बैठे रहें हमेशा। मतलब ये जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ, अगर कोई नॉर्मल कार होती ना, कोई भी नॉर्मल कार होती, इवन तो जीप कंपास होती इस सेगमेंट की जो भी, मतलब 40 लाख के आसपास जो आ जाती है, 30 लाख के आसपास जो आ जाती है, उन सब में मेरे को एक बॉडी मतलब मूवमेंट जो है वो फील होता है। इस गाड़ी में वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि 90% वो कट आउट हो जाता है, सिर्फ 10% फील होता है। तो इतना ज़्यादा कंफर्ट, इतना बढ़िया तरीके से मतलब सस्पेंशन का मैनेजमेंट मैंने आज तक किसी और गाड़ी में नहीं देखा। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं या नए भी जुड़े हैं, 3-4 महीने हुए हैं, मैं हर महीने अपने घर जाता हूँ, ठीक है, और कोई ना कोई सी दूसरी गाड़ी लेके जाता हूँ जिसमें एक डिटेल लॉन्ग टर्म रिव्यू उसका मैं कर सकूँ, या लॉन्ग ड्राइव रिव्यू जिसको अपन बोल सकते हैं। तो इस बार जो गाड़ी ये C5 सिट्रन C5 मेरे पास में एयरक्रॉस, इससे कंफर्टेबल कार मैंने आज तक जो है इतने लंबे रास्ते पे नहीं चलाई। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई है, मैंने स्पोर्ट्स कार भी चलाई है, बट इससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं चलाई। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप लोगों का बजट है 50 लाख रुपए और आपको चाहिए कंफर्ट और चलाने का मज़ा, आप आँख बंद करके सीट्रॉन C5 जो है उसको ऑप्ट कर सकते हो, उसके लिए जा सकते हो, एक बार टेस्ट राइड लो। और ऐसे नहीं कि नॉर्मल सिटी में चला के आ गए, जाओ कहीं हाईवे पे लेके, ख़राब रास्तों में लेके जाओ, और ख़राब रास्तों में स्पीड कम नहीं करना, जाने देना गाड़ी को, तब आपको फिर फील होगा कि यार कमाल की हैंडलिंग जो है वो ये दे रही है। ग्राउंड क्लियरेंस इतना बढ़िया, ऑलमोस्ट 230 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का। यहाँ पर ये जो जॉइंट्स गए हैं, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ शेक कर जाती है, स्पीड कम करनी पड़ती है। मैं 115 पे चल रहा हूँ और स्मूथली निकल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि कॉन्फिडेंस कम हो गया है या गाड़ी ऐसे कुछ इधर उधर ना हो जाए, मज़ा आता है यार, वाइब्स आ जाती है। अब सस्पेंशन की बात तो कर ली, चलो बात करते हैं गेयरबॉक्स की। तो इसका ये जो 8-speed का गेयरबॉक्स है, ये ऐसा ट्यून करा गया है कि आपको जब भी मतलब एक ड्राइव में डाला है तो जिस गियर में होना चाहिए उस गियर में आपको ये पुट ऑन कर देता है। अभी आपके पेडल शिफ्टर्स दिए हैं बट ये काम में ही नहीं आया मेरे, मतलब सिर्फ शौक के लिए मैंने मैनुअल में इसको डाला और पेडल शिफ्टर जो है वो यूज़ करने की कोशिश करी कि मैं यूज़ करूँ, बट अब क्या करूँ, सारे गियर्स सही हो जाते हैं, लाइक डाउन शिफ्ट खुद से कर लेता है, अप शिफ्ट जो है ये खुद से कर रहा है, और जहाँ पे भी अभी जैसे सपोज ये एर्थ में है, ठीक है, मैंने एकदम हार्ड एक्सेलरेट करा ना, ये फोर्थ पे आ जाएगा, मतलब एक सेकेंड नहीं सोचता है, कोई लैग फील नहीं करवाता है, मज़ा आता है। बट हाँ एक जो कॉन्स मेरे को लगा, जब आप हल्का सा स्लो होते हो, मतलब या आप एक्सेलरेटर से पैर हटा देते हो, ऊपर कर देते हो पैर, और फिर जब वापस कभी रखते हो
तो इतनी बार ऐसा होता है कि जो रियर व्हील ड्राइव कार्स नहीं होती है जिसमें वापस से वो एंगेजमेंट वाली वाइब्स आती है, वो इस ये कार पर्टिकुलर फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसमें कोई ऑल व्हील ड्राइव या फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, इसमें वो मतलब लाइक ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ ना कुछ वापस से ट्रांसमिशन कनेक्ट हुआ है। तो वो कनेक्शन जो है वो कभी कभी आपको फील हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ तो नॉलेज है, आपने बहुत सारी टाइप की गाड़ियाँ चलाई है तो आपको वो चीज़ फील होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी, और कोई हैजन सच कॉन्स नहीं है। वो ऑलमोस्ट सही गियर्स में होते हैं तो मुझे कोई भी उसके अंदर अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट या मैनुअल पे लेके जाने का काम नहीं पड़ता है। मैंने इसको सिटी ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा चलाया है, रतलाम जिन लोगों को पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड गलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक है, इवन तो वहाँ पर मैं इस कार को लेके गया, मैंने चलाया, मैंने दिल्ली ट्रैफिक में चलाया, गुड़गांव में चलाया, गाज़ियाबाद में चलाया, फरीदाबाद में चलाया, कोई परेशानी नहीं आती यार, सब हर टाइम ये सही गियर में होती है, तो हैजन सच कोई ये सब वो नहीं है। और दूसरा एक और चीज़, ये कार हैज़ अ कम्फर्ट लाइक आप लोगों के लिए है, तो ये आपसे इससे कोई मतलब वो स्पोर्टी कैरेक्टर फील मत करो कि हाँ यार मतलब तुम खतरनाक तरीके से भागा रहे हो, उसको भागती है कोई दिक्कत नहीं है, कभी मना नहीं बोलेगी आपको, बट आपको जब ये गेयरबॉक्स की ट्यूनिंग समझ में आएगी तो आपको फील होगा कि हाँ कंफर्टेबल राइड, या मतलब जितना ज़्यादा कम जर्क हो उस हिसाब से इसकी ट्यूनिंग जो है वो इंजन के साथ में करी गई है। ब्रेक्स की बात करते हैं तो ब्रेक्स फ्रंट एंड रियर दोनों में आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और लाइक जब हल्का सा प्रेस करते हो ना तो इतनी ज़्यादा बाइट्स नहीं आती है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा जल्दी कार को रोकना है तो जैसे आप प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाओगे या फुट का प्रेशर ज़्यादा रखोगे तो वो डिटेक्ट करता है सेंसर, मतलब वो चीज़ मैंने फील करी है, मतलब सेम मैंने थोड़ा सा दबाया कम लगेंगे, बट अगर थोड़ा सा हार्ड वे में अगर मैंने दबाया तो वो ब्रेक्स ज़्यादा लगेंगे, तो वो चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी है। आप अगर 4-5 दिन गाड़ी को चलाओगे ना तो वो आप खुद से समझ जाओगे, बट कहीं पर भी मेरे को ये फील नहीं हुआ अगेन ब्रेक्स के मामले भी कि गाड़ी जो है वो कंट्रोल नहीं होगी या मैं ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। अभी जैसे अगर मैं 115, 117, 120 आप लोगों के सामने बात करते करते बिल्कुल ईजिली कर पा रहा हूँ, तो वो यही कॉन्फिडेंस मेरे पास में है कि अगर मेरे को सपोज इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी गाड़ी रोकनी भी पड़ी तो ट्रिपल डिजिट से भी जीरो पे आने में मेरी गाड़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, तो वो कॉन्फिडेंस देती है ये गाड़ी आपको। स्टेयरिंग की फील एंड फीडबैक की बात करते हैं तो स्टेयरिंग हाईवे पे तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी प्लांटेड है, लाइक एक जैसी गाड़ी जो है वो चलती है, अगर आपको टर्न करना है आप इजीली जो है वो टर्न भी कर पाते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा वेट भी होता है ट्रिपल डिजिट पे। बट जब आप नॉर्मल सिटी ड्राइविंग कर रहे होते हैं या आप गाड़ी मतलब लाइक बोलते हैं ना कि आप बहुत स्लो चला रहे होते हैं सिंगल डिजिट्स में, वहाँ पर आपको ये फील होगा कि गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो थोड़ा सा हीवियर साइड में। हाईवे पे ये चीज़ अच्छी है, बट जब आप ट्रैफिक वगैरह में चलाओगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बोल रहा हूँ, नॉर्मल ट्रैफिक नहीं बोल रहा, 60-70 पे चलाओगे ठीक है, आप 50 से नीचे आए हो और वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा 40 के नीचे हो, टर्न वगैरह कर रहे हैं या आपको गली में कहीं गोल घुमानी करनी है, वहाँ थोड़ा सा वेट एक्स्ट्रा फील होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजेबल आपको लगेगी। बट अगर आप कोई ह्यूंडई वगैरह गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ से फिर इस पे आओगे तो आपको डेफिनेटली फील होगा कि हाँ ये थोड़ा सा हीवियर साइड में स्टीयरिंग जो है उसका रखा गया है। अब अगर बात करें कि इसका म्यूज़िक सिस्टम कैसा है, तो यार यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम ठीक है, बट 40 लाख रुपए वाला फील नहीं देता, मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा बेस है, वो नहीं है, सारी चीज़ें एक लिमिट तक है, लाइक इसकी वॉल्यूम फुल भी मैं कर दूँ ना तो हाँ ठीक है मैं सुन सकता हूँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि 20 लाख की गाड़ियों में ऐसा साउंड आता है, एकदम तगड़ा बेस आता है और उसका फुल साउंड में सुन नहीं सकते हो कंटिन्यूसली, इसका सुन सकते हो पर वो वाइब्स नहीं आती कि आपने इतना पैसा खर्च करा है तो वो रिटर्न आपको मिला है। तो म्यूज़िक के मामले में गाड़ी जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी मांगती है, कंपनी के अंदर पास में स्कोप है, वो कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो चीज़ की मेरे को कमी लगी कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे नहीं है, इसमें एडास नहीं है, इसमें 360 कैमरा नहीं है। यार मैं 40 लाख रुपये दे रहा हूँ, 10 लाख रुपये की गाड़ी में 360 कैमरा आ रहा है, अब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे आ रहा है, तो वो फीचर की कमी जो है वो इस गाड़ी के अंदर लगी है। मतलब लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट में यही बोला कि अगर आपको ये गाड़ी मतलब क्यों लेनी चाहिए, तो आपको अगर कंफर्ट प्रायोरिटी है कि यार मेरे को तो कंफर्टेबल चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, मैं मेरा फ़ोन लगा लूँगा और गाने चला लूँगा, मेरे को एक एसी मिल जाए, बढ़िया चलाने में गाड़ी मिल जाए, कंफर्टेबल हो, मैं ट्रिपल डिजिट आराम से क्रूज़ कर लूँ और मेरे को माइलेज भी अच्छा मिल जाए, तो फिर ये गाड़ी आप लोग ले सकते हो। एक बहुत बड़ा टॉपिक मैंने मिस कर दिया, केबिन इंसुलेशन वगैरह कैसा है, NVH कैसे है। एक चीज़ बता दूं कि डीजल की क्लटरिंग या डीजल इंजन आप यूज़ कर रहे हो, ये आपको पूरे टाइम जब से आप स्टार्ट स्टॉप बटन दबा के इसको लाइक स्टार्ट करोगे और वापस स्टॉप करोगे तब तक पता चलता रहेगा। इसका इंजन बाहर बहुत ज़्यादा साउंड करता है बट अंदर साउंड बहुत ही कम आता है, बहुत कम, रेयरली, बट आता है और आपको पता भी चलता है कि आप डीजल गाड़ी जो है वो चला रहे हो। एक और चीज़, इसके जो फ्रंट विंडशील्ड है और जो आसपास इसके जो ग्लास हैं
उनमें एकोस्टिक लेयर जो है वो दी गई है, उससे होता ये है कि जो बाहर का साउंड है वो ऑलमोस्ट बाहर रखता है और अंदर का साउंड जो है वो ज़्यादा गूंजता नहीं है और ईको ज़्यादा नहीं होने देता है, और मतलब इंसुलेशन बोल सकते हैं कि इंसुलेशन काफ़ी बढ़िया है गाड़ी की। मतलब कई बार ऐसा मैंने देखा है, अभी मैं शादी वगैरह में जाया गया था दोस्त की, बाहर डीजे बज रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड ने गेट खोला तो पता, अरे ये क्या बाहर इतना साउंड, केबिन के अंदर साउंड ही नहीं है। अभी जैसे मैं चल रहा हूँ तो अगेन ट्रिपल डिजिट 110 से ऊपर हूँ मैं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है टायर का और दूसरा हल्का सा डीजल का जो इंजन है, मतलब लाइक उसका साउंड मेरे को सुनाई दे रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट गाड़ी के बारे में, मैंने आपको सारी डिटेल्स बहुत ही अच्छी तरीके से दे दी है। ये ऐसे मत करा करो ट्रक के पीछे चलते हो आप हवा से बचने के लिए, बट अगर कभी ट्रक ने ब्रेक ब्रेक मार दी इधर उधर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपन लोगों ने ऑलमोस्ट कार के बारे में सारी चीज़ें जान ली, जैसे कि अगर बात करें व्यू कैसा है मैंने आपको बता दिया, ORVM से कैसा दिखता है बताया, कम्फर्ट गाड़ी के अंदर बहुत ही बढ़िया है, कमाल का कम्फर्ट है, पीछे वाली सीट्स का सीटिंग स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है वॉक अराउंड में आप लोगों ने देखा, म्यूजिक सिस्टम बेस्ट हो सकता है और बेटर बनाया जा सकता है, अर्गोनॉमिक वाइज जो एक स्विच का मेरे को लगा दैट्स ऑल, क्रूज कंट्रोल का स्विच जो है वो भी थोड़ा सा आधे डालनी पड़ती है, बट आधे डाल देते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको यहीं पे स्टेयरिंग पे दे दिया जाता तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर होता है, वो थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है तो प्लेसमेंट थोड़ा सा उसका गलत है। बाकी तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, हीटर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, रियर वाले पैसेंजर के लिए जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाता है कूलिंग में, पीछे नो डाउट एसी वेंट है उसके बावजूद भी थोड़ा सा उन लोगों को लगता है कि हाँ 5-6 मिनट हुए हैं, अब धीरे धीरे गाड़ी जो है वो ठंडी हुई है, और साथ ही इसके अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आप लोगों को मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने गाड़ी से रिलेटेड बता दी है कि ओवरऑल कार मेरे को कैसी लगी। आप अगर आप लोगों को लास्ट में एक समरी दे देता हूँ क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो जो चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी वो लगा इसका कंफर्ट, 50 लाख रुपए में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो इतना कंफर्ट आप लोगों को प्रोवाइड करे। दूसरा इसकी ड्राइवेबिलिटी और हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कमाल की है, मज़ा आता है, गाड़ी एकदम प्लांटेड स्टेबल चलती है और ट्रिपल डिजिट करने में ब्रेकिंग वगैरह में स्टेयरिंग में कोई कॉन्फिडेंस जो है वो आपका लूज़ नहीं होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको जो है पूरा सपोर्ट करती है। अब जो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, इसमें फ़ीचर्स की बहुत कमी है, इसमें एडास नहीं है, इसमें पेट्रोल इंजन नहीं है, इसमें मैनुअल का ऑप्शन नहीं है, इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले नहीं है, दूसरा इसके अंदर मेमोरी सीट फंक्शन जो है उसके ऑप्शंस नहीं है, तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो लैक करती है ये कार। अगर ये सारे फीचर्स होते तो फिर ये एक परफेक्ट मतलब लाइक बोल सकते हैं कि पैकेज जो है होती, बट अभी इसके अंदर कई सारी कमियां हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स के मामले में। बट जो लोग हैं जिनको चाहिए कि मुझे चलाने से मजा आते हैं और मेरे जैसा सीन हो कि मतलब भैया हाँ ठीक है हम फोन वायर से कनेक्ट करके चला देंगे अपना काम, म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा और अच्छा होता तो अच्छा काम हो जाता, बाकी बस यही है कि कंफर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए और ग्राउंड क्लियरेंस से परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। बट जो इसके राइवल हैं वो आपको 4x4 ऑल व्हील ड्राइव वाले जो चीज़ें हैं वो भी ऑफर करते हैं, ये वो भी आपको ऑफर नहीं करती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप आप लोगों को ये मेरा डिटेल्ड टेस्ट रिव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके काम में भी आएगा। आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा है ज़रूर से नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ड्राइव सेफ गाइस, राइड सेफ।